Excuse me, waiter. Bill, please. Bill. दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ ifactner.com के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में. आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड बिल के मीनिंग को हिंदी और उर्दू में समझेंगे, फिर वर्ड बिल को यूज़ करते हुए कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी और उर्दू में. तो शुरू करते हैं जी आज का वीडियो ट्यूटोरियल. बिल, बी आई डबल एल, बिल, बिल स्पेलिंग होते हैं और बिल को हम हिंदी और उर्दू में बिल ही कहते हैं. और बिल को हम रिसिप्ट भी कहते हैं, रिसीड, यानी कि अमेरिकन इंग्लिश में बिल और ब्रिटिश इंग्लिश में रिसिप्ट, रिसीड देना यार. ठीक है जी, कोई चीज़ ख़रीदी तो उसका जो बिल आता है कि उसमें टोटल कितना है, आपने बिजली यूज़ की उसका बिल आता है, उस सेंस में हम बिल को यूज़ करते हैं. इसके अलावा बिल्स पार्लियामेंट्स में भी पेश होते हैं. पार्लियामेंट में पहले बिल पेश होता है, अगर वो पार्लियामेंट अप्रूव कर ले और अपर हाउस भी अप्रूव कर दे तो फिर वो लॉ बनता है. यहाँ पे हमने सेंटेंस बनाया है, वेटर प्लीज़ ब्रिंग मी द बिल, वेटर प्लीज़ ब्रिंग मी द बिल, वेटर कृपया करके, मेहरबानी करके मुझे बिल ला दो. वेटर प्लीज़ ब्रिंग मी द बिल, वेटर आ रहा है बिल लेके. तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में. अनटिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गुड डे. हाँ बिल ले आए, थैंक यू. इतना ज़्यादा बिल यार, मैं तो बटवा ही भूल गया, पर्स भूल गया. आप में से किसी के पास पैसे हैं तो बिल दे दो यार मेरा.